सोमेंद्र होटल जो थाना सारनाथ क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर भोजपुरी फिल्मों की एक नवोदित अभिनेत्री द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है। और इसमें वो महिला जिन्होंने आत्महत्या की है, किसी फंक्शन से रात को देर रात लौटी है। लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे उनका कुछ वीडियो है जिसमें कुछ देर तक गुमसुम और रोते हुए सी परिस्थितियों में है। इसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मृत्यु को लेकर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, ये शुद्ध रूप से आत्महत्या का केस है। पुलिस कल से ही लगातार प्रयास कर रही थी कि आत्महत्या के पीछे दुष्प्रेरण में कौन से लोग सम्मिलित हैं, इसका अनावरण किया जाए। आज उनकी माँ के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है आत्महत्या के दुष्प्रेरण का, जिसके आधार पर थाना सारनाथ में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जाएगी। दो लोगों को नामित किया गया है, एक समर सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के शायद गायक हैं, दूसरा संजय सिंह जो इनके करीबी या परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्शन का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम हमें पैनल के द्वारा, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा कराने के लिए हम लोगों ने लिखा है, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय इस प्रकरण में न हो। पीड़िता का मां का आरोप है कि जिस तरह से बॉडी पाई गई थी, जो फोटो वो देखी हैं, एक पैर जमीन पर दूसरा पैर बेड पे, तो ये हत्या का आरोप सीधे तौर पर लगा रही है। देखिए, उनकी मां के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने आत्महत्या शब्द का उल्लेख किया है और दुष्प्रेरण में समर सिंह और संजय सिंह नाम के दो लोगों को नामित किया है। और प्रथम दृष्टया चूंकि जिन परिस्थितियों में शव की बरामदगी बंद कमरे के अंदर से की गई, तो हत्या जैसी चीज प्रतीत नहीं होती। फिर भी बहुत गहराई के साथ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें हम और अग्रिम चीजें ध्यान में रखें।